नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही बेस्ट एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा और इस मेडिसिन का नाम है सैंगुनेरिया। और यदि मैं इसके लक्षणों की बात करूं, देखिए मैं आपको कोई मेडिसिन पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ जो मेडिसिन के लक्षण हैं आपको सिर्फ इन लक्षणों को पहचानना है अपने और इस मेडिसिन को लेना है। बस कुछ गिने चुने लक्षण हैं, जो मेन लक्षण होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि इसका हम सबसे पहले लक्षण ले तो इसका है दाई तरफ का सिर दर्द, इसको माइग्रेन भी कह सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में मैं एक बार वीडियो बना चुका हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि किसी को दाई तरफ का सिर दर्द है तो आँख बंद कर सैंगुनेरिया मेडिसिन लेनी है। या आपको राइट साइड में कोई भी प्रॉब्लम है, यदि हम कहें ये राइट साइड मेडिसिन है, मतलब दाई तरफ की मेडिसिन है, वो कैसे, यदि आपको दाई तरफ कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आपको शोल्डर में पेन है वो दाई तरफ है, घुटने में पेन है वो दाई तरफ है, कूल्हे में दर्द है वो दाई तरफ है, कहने का मतलब दाई तरफ की कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन आपको ले लेनी चाहिए। और स्पेशली सिर दर्द जिसको माइग्रेन कहते हैं, बहुत बार पेशेंट आता है वो कहता है सर मुझे दाई तरफ में सिर में दर्द रहता है, और ये दर्द रेगुलर नहीं रहता। यदि दर्द होता है या कोई लेडी आकर कहती है हमारे पास पेशेंट कि मैं पेन किलर ले लेती हूँ ठीक हो जाती हूँ, लेकिन 3 दिन बाद या 5 दिन बाद 7 दिन बाद वो फिर दर्द आ जाता है, मैं फिर मेडिसिन ले लेती हूँ, ठीक ऐसे मेरे साथ चल रहा है, तो आपको जो ये दर्द है ये रिपीट हो रहा है 3 दिन बाद 5 दिन बाद 7 दिन बाद, तो आपको ये मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। एक ये है कि किसी को फूल से एलर्जी होती है, बहुत बार पेशेंट कहता है सर मैं यदि किसी फूल के पास जाता हूँ, चाहे वो किस कोई भी फूल हो, उसको सूंघ लेता हूँ तो मुझे छींकें आना स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, फूल एलर्जी में बहुत अच्छा काम करती है, आप पेशेंट को दीजिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फिर जो ये पेशेंट है, यदि हम इसकी बात करें, ये पेशेंट अंधेरे में रहना बहुत पसंद करता है। यदि खुद पेशेंट बताते हैं सर जब मुझे सिर में दर्द होता है तो मैं एक अंधेरे कमरे में चले जाता हूँ और मुझे कोई भी आवाज़ पसंद नहीं है, मतलब किसी का बोलना या कोई आवाज़ या कोई म्यूजिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं सिर्फ अंधेरे कमरे में लेटा रहता हूँ, जब मेरा दर्द ठीक हो जाता है तो मैं अंधेरे कमरे से बाहर आ जाता हूँ, मुझे अंधेरे कमरे में लेटकर मुझे कहीं ना कहीं अच्छा महसूस होता है, तो ये भी एक लक्षण है पेशेंट का कि अंधेरे कमरे में उसको रहना पसंद है। और स्पेशली सिर दर्द, आधे सिर दर्द के लिए रामबाण दवाई है कि नाक में मांस बढ़ जाते हैं, बहुत बार बच्चे आते हैं नाक में मांस बढ़ जाता है, लेकिन आपको देखें आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, दाई तरफ का कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मेडिसिन आपको एक बार ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, सिर्फ राइट साइड मेडिसिन के साथ है आपको। फिर इसमें एक लक्षण और आता है, इसमें सिम्टम्स हैं कि जो भी कंप्लेन है वो सूरज के साथ बढ़ती है, जैसे ही सूरज उगता है तो पेशेंट को कंप्लेन स्टार्ट हो जाती है कि सिर दर्द हुआ, शरीर में दर्द हुआ, जब सूरज छिपता है तो कंप्लेन कम हो जाती है, मतलब जैसे जैसे सूरज बढ़ता है उसको कंप्लेन बढ़ती चली जाती है, फिर जैसे ही सूरज छिपता है तो कंप्लेन कम होनी चालू स्टार्ट हो जाती है। तो एक यूनिक लक्षण है, यदि आपको आपके परिवार में ऐसा कोई सिम्टम्स आ रहा है तो ये मेडिसिन जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। अब बात करेंगे पोटेंसी की, आप इसमें देखिए 30 भी ले सकते हैं लेकिन 200 पोटेंसी बेस्ट रहती है, आपको सैंगुनेरिया 200 पोटेंसी लानी है होम्योपैथी फार्मेसी से, और इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार आपको पेशेंट को देनी है या आपको खुद लेनी है। आप 1 हफ्ता 10 दिन या 15 दिन लोगे तो देखना जो आपकी कंप्लेन आ रही है, जो आपके लक्षण सिम्टम्स आ रहे हैं वे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे और आप बिल्कुल हेल्दी हो जाओगे। तब भी कोई सिम्टम्स आपको अलग से आ रहे हैं या कोई आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेडिसिन का सिलेक्शन कैसे करें तो आप कन्फ्यूज हो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप मुझे लिखकर भेज दीजिए जो भी आपके लक्षण है वो मेडिसिन मैं आपको बता दूंगा, या कोई आपके पास रिपोर्ट है वो आपको चेक करानी है मुझसे वो भी मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू बता दूंगा। और सबसे बड़ी बात है मैं कोई रिपोर्ट चेक करने का या मेडिसिन बताने का आपसे कोई चार्ज नहीं लेता, ये सिर्फ मैं अपने फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेफिक्र होकर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।